आशा वर्कर्स लगभग 75 आशा वर्कर्स, 4,000 से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर्स, आयुर्वेदिक स्टाफ को 646 और 3,000 अतिरिक्त आशा वर्कर्स के अतिरिक्त हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ और लगभग 1,000 अन्य विभागों के स्टाफ है, इनको एक्टिविटी स्पाइकिंग में हमने लगाया था, जिससे लगभग 70 लाख आबादी को कवर किया गया। इसमें एक्टिव केस फाइंडिंग कर क्या करते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग में हम सिम्टोमेटिक केसेस ढूंढ रहे हैं। इसमें जरूर आप लोग ये बात से वाकिफ रहे कि जो सिम्टोमेटिक नहीं होगा डिटेक्ट नहीं होगा, बट इसमें भी 9,900 से अधिक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस, फ्लू केसेस जिसको बोलते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। इन सबको फ्लू ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और इनमें से जिनमें हमें which has seen a positive case.
That area is totally sealed off. Only emergency services are allowed inside that area, and home delivery of certain essential goods is allowed. Apart from that, no other activity is permissible. So that those areas will continue to be not seeing any activity till they have seen at least 14 days of no other case. After 14 days, we could consider a relaxation there. So एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ. दूसरा, हमारा वर्किंग सीजन इस प्रदेश में बहुत सीमित है. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट आवर रोड्स आर रिपेयर्ड क्विकली. फॉर दैट पर्पस सम रोड वर्क्स विद लोकल लेबर अगेन. नो आउटसाइड लेबर और एनी लेबर विच हैज हैड एन इंटरेक्शन और विच हैज सीन सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विल बी परमिटेड. एंड एट वर्क साइट्स there is a direction being issued that there must be somebody designated as a compliance officer to who will ensure a minimum social distancing, wearing of face cover, availability of soap and water at the work site so that they can wash their hands before and after they finish their work and they leave the work site. इसके अलावा छोटे छोटे जो work लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, दे हैव बीन अलाउड टू ऑपरेट एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज विद इन द कर्फ्यू आवर्स टू बिगिन विद एंड देन वी विल सी हाउ इट इवॉल्व्स. बट ऑफ कोर्स दोस पीपल विल आल्सो हैव टू गो विद अ मास्क फेस कवर एंड दे मस्ट ऑर्डिनरली कैरी अ सैनिटाइजर बिफोर दे एंटर द हाउस फॉर एनी रिपेयर्स. दे आइदर द हाउस मस्ट गेट देयर हैंड्स वॉश्ड एंड सोप प्रॉपरली or there should be sanitization facility available so that they can enter the house only after sanitization. Iske ilawa thode se hamare jo power projects hain jinki labor normally वैसे भी contained होती है, एक environment में रहती है, वहीं रहते हैं, वो कोई बाहर से लेबर नहीं है, उनको भी permit दिया गया. तो इस तरह की थोड़ी बहुत relaxations है, but the focus is on local labor. Only local labor which has not seen any movement out और इनटू द एरिया. तो जहां तक कुछ सो दिस वाज ब्रॉडली व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म. नाउ आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू से अ फ्यू वर्ड्स एंड देन ही मे बी टेक अ फ्यू क्वेरीज. मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में हम अलग परिस्थितियों में मिल रहे हैं और मैं इस बात से सहमत हूं कि एक ऐसी परिस्थिति जो पूरा विश्व जिसका सामना कर रहा है, हमारा देश सामना कर रहा है और हम सब लोग भी सामना कर रहे हैं. अभी तक इस प्रकार के आयोजन के लिए मोटे तौर पर मनाही है एक तरह की, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी हमको लग रही थी कि कुछ बातें हम किसी न किसी तरह से आप लोगों के साथ साझा करें. हम कोशिश कर रहे थे कुछ अरसे से लगातार आप सबके बीच में कुछ बातें जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो सही स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उसको छोटा सा एक वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएं. और हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो रेगुलर ब्रीफिंग और प्रेस नोट, ये सारे एक माध्यम थे आप तक सूचना पहुंचाने के इस दौर में. लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आज कुछ बातें हम इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आपके साथ साझा करें. हमारे चीफ सेक्रेटरी जी ने डिटेल में आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख दिए. लगभग दुनिया में 165,000 के लगभग अभी तक जो है वो, हाँ, 165,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई कोरोना वायरस की वजह से, कोविड 19 की वजह से. 24 लाख
से ज़्यादा लोग जो है वो पॉजिटिव हैं, प्रभावित हैं। भारत जहाँ एक बहुत बड़ा देश है, चाइना के बाद दूसरा बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ भी हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात को हम कह सकते हैं कि संतोष कर सकते हैं कि आज की परिस्थिति में इस देश को जिस तरह से एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो मजबूत नेतृत्व की वजह से इतने बड़े देश में फिर भी हम काफी हद तक जो है कोरोना वायरस को रोकने में समर्थ हुए हैं, इसकी गति को रोकने के लिए समय रहते निर्णय लॉकडाउन का है, लॉकडाउन के बाद और सारी बहुत सारी चीजों पर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिला है और देश की जनता ने बहुत सहजता से उन कठिन निर्णयों का अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसमें समर्थन दिया, सहयोग दिया और स्वीकार किया, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी मैं आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने ऐसे कठिन दौर में कठिन निर्णय करने के पश्चात भी सरकार की ओर से उनको स्वीकार किया, उसका पालन किया। मैं मीडिया जगत का भी आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने भी सही बात को लोगों तक पहुंचाने में ऐसी परिस्थिति में जबकि काम करना बहुत जोखिम भरा है आपका, उसके बावजूद भी आप लोगों ने किया है, उसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश में भी हम कोरोना वायरस की इस महामारी से अछूते नहीं हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि हम मामलों को रोक दें, जहां पूरे देश भर में लॉकडाउन है वहां हिमाचल प्रदेश में आज भी कर्फ्यू कायम है। कर्फ्यू इसलिए लगाया क्योंकि सहजता जिस बात को समझने के लिए है वही काम करना चाहिए। लॉकडाउन में लोगों को लगा कि हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और कर्फ्यू इसलिए हमको यहां पर जारी करना पड़ा, लागू करना पड़ा, ताकि उसका एक सीरियस एक इम्पैक्ट जो है आम जनमानस के मन मस्तिष्क पर हो सके। आप सब सारी चीजों से वाकिफ हैं। जब ये दौर शुरू हुआ तो इस वक्त हमारा बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र हालांकि उस वक्त बहुत ज्यादा मामले नहीं थे लेकिन हमारे पड़ोस में दूसरे राज्यों में मामले आना शुरू हो गए थे, स्कूल कॉलेज बंद करने की शुरुआत हुई कुछ प्रदेशों में, हमारे सामने भी सुझाव आया, आग्रह आया बच्चों की ओर से, पेरेंट्स की ओर से, समाज के हर वर्ग की ओर से। पहला निर्णय हमने हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज बंद करने का लिया, इसलिए कि ये एक ऐसी जगह है जहां आसानी से एक साथ बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और हमारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो जो है इस बीमारी का शिकार ना हो जाए। फिर उसके बाद आगे बढ़कर के बात आई कि हमको हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र को लंबा नहीं करना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। हमने सहजता से उस बात को स्वीकार किया
और बजट एक दिन में ही पास किया और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया। ऐसे में मैं विपक्ष का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने भी सारी गंभीरता को समझा और उसके बाद उसमें सहयोग दिया। उसके बाद एक दौर और आ रहा था हमारे सामने कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग जो है वो और क्या कदम उठा सकते हैं। नवरात्रे शुरू होने वाले थे और नवरात्रे शुरू होने से स्वाभाविक रूप से मंदिरों में लोगों का जाना आना ज्यादा होता, तो सुझाव आया कि मंदिरों पर लोग ज्यादा ना जा सके, भीड़ ना जा सके और उसके कारण ये कोरोना वायरस न फैल जाए। ऐसे में हमको ये भी करना चाहिए कि मंदिरों पर जाना रोकना चाहिए। हमने उस बात पर भी अमल किया और हिमाचल प्रदेश के सभी धार्मिक स्थानों पर हमने जाना आना रोक लगा करके जो है प्रतिबंधित किया। और उसके बाद एक और बात रह गई थोड़ी सी बीच में, जिसमें जो दूसरे हमारे पड़ोसी राज्य थे वहां पर स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो लोगों ने सोचा कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, यहाँ कोरोना फैल रहा है, हिमाचल सुरक्षित है, तो टूरिस्ट के नाते वो घूमना हिमाचल की तरफ निकल पड़े। हिमाचल एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वो भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हम टूरिस्ट का आना जाना बंद करें तो बहुत बड़ा नुकसान भी होगा प्रदेश के लिए, लेकिन फिर भी हमने इस बात को स्वीकार किया कि नुकसान एक जगह है, भरपाई कर लेंगे, वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के नागरिक का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने वो भी निर्णय लिया, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का आना जाना बंद किया, ये भी उसी कड़ी में निर्णय लिया। और उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू सख्ती से लागू किया और आज भी वो कर्फ्यू जो है वो आप सबके सहयोग से हम उसको कायम रख करके आगे काम कर रहे हैं। जहां इस सारे कोरोना वायरस से हम हिमाचल प्रदेश से किस प्रकार से निपट रहे हैं, हमने पूरे दिन की एक दिनचर्या बनाई है। सुबह ठीक 10 बजे से हमारा शेड्यूल शुरू होता है मीटिंग्स का। हिमाचल प्रदेश में हमारा किसी नागरिक को राशन ना पहुंचे, खाना ना पहुंचे, ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। 10 बजे की पहली बैठक हमारी क्या होती है, सबसे पहली बैठक उसमें कि जो हमारा सप्लाई चेन है वो कहीं अवरुद्ध तो नहीं हो रही है, कहीं किसी जिले में, किसी सब डिवीजन में, किसी क्षेत्र में राशन की कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसको मॉनिटर करने के लिए मैकेनिज्म स्वयं मैंने अपने निवास से उस बैठक के माध्यम से हमने शुरू किया, जिसमें हम सब लोग अधिकारी के साथ बातचीत करते हैं। आवश्यकता पड़ी, बीच में हमारी सप्लाई चेन अवरुद्ध हो गई थी, हमने केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की और उनने उसमें मदद की, बहुत बड़ी मदद की। उस वक्त जहां जो दिल्ली से जो हमारी जो सप्लाई जो ओपन इसकी मार्केट की जो आती है उसमें थोड़ा अवरोध आया था, लेकिन उनने मदद की और उसके बाद उसको हम ठीक प्रकार से आगे चलाने में कामयाब हुए। आज की तारीख तक मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी एक जगह भी राशन की कमी हमने होने नहीं दी। राशन से संबंधित सारी चीजें, चाहे सब्जी की बात है, चाहे राशन की बात है, चाहे दालों की बात है, मेडिसिन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इसमें किसी तरह से कोई कठिनाई ना हो, 10 बजे के बाद हमारी रेगुलर मीटिंग जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ होती है कि हमारे कोरोना वायरस के आज हम कितने सैंपल भेज रहे हैं और उसके साथ साथ में आज हमारी पीपी किट की क्या पोजीशन है, मास्क की क्या पोजीशन है, सैनिटाइजर की उपलब्धता क्या है। और जहां जहां से कहीं से भी इस प्रकार के सुझाव आते थे कि यहां सप्लाई कम है, यहां ज्यादा करने की आवश्यकता है, तुरंत जो है उस पर हम कार्रवाई करके जो आगे चीज करते थे।
उसके बाद हमारे शेड्यूल का दूसरा पार्ट आता था कि सीधा हर रोज डिप्टी कमिश्नर एसपी और डिस्ट्रिक्ट के जो हमारा फूड सप्लाई ऑफिसर होता है और सीएमओ होता है, इन लोगों के साथ हमारा सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर रोज, हर रोज। ये निर्धारित आज भी निर्धारित है, बीच में एक दो दिन के छोड़ करके, कभी एक आधे दिन को छोड़ करके, तो उसको नियमित करते हैं और जहां से एक्चुअल फीडबैक मिलता है, एक्चुअल फीडबैक मिलता है। फिर उसके बाद जो केसी जिस प्रकार से आते, जो शाम को रिजल्ट आता है लैब से कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जो पॉजिटिव केस उसके बाद उसकी हिस्ट्री, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, इस सारे में लगते थे, पूरी टीम लगती है, नीचे के अधिकारियों को, चाहे एसपी है डीसी है, उनके जिम्मे वहां पर उस काम को सौंपा जाता था, सारी उसकी हमारी व्यवस्था थी, उसकी कॉल डिटेल निकालनी पड़ती है हमको सीडीआर, ताकि उसकी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सच भी रिवील किया कहां से आया, कहां से मिलना हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है वो बातें आधी बताई आधी नहीं बताई, बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, बताया कुछ निकला कुछ, ऐसी परिस्थिति में ये एक और तरह का काम हो गया। और उस काम को करते करते हम रात तक, हमारा शेड्यूल रात के लगभग लगभग 10 बजे तक, आप सबसे मिलना नहीं हो पा रहा था आप लोग, लेकिन हमारा काम जो है, काम करने का तरीका इस प्रकार से रहा है। अब जहां तक बात आती है, बहुत सारी जगह से फीडबैक आता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, जो अपनी समझ के मुताबिक जो हम बेहतर से बेहतर कर सकते थे, पूरी ऑफिसर्स की टीम, मंत्रियों को सबको जिले बांटे गए, वो वहां कोऑर्डिनेशन करते थे और उसके बाद सारे सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट करके जो है आगे बढ़ाते रहे। मित्रों, मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में शुरू में दो मामले पॉजिटिव आए थे, एक की सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री थी और दूसरे की शायद मेरे दुबई से थी, और दोनों मामले जो हमने जब आए हमारे पास तो पॉजिटिव थे, दोनों की ट्रीटमेंट शुरू हुई और ट्रीटमेंट के बाद जब उनका इलाज हुआ तो ऑल ऑफ ए सडन एक केस ऐसा आ गया हमारे बीच में जो अमेरिका से उसके ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी और उसके बाद वो दिल्ली आए, मजनू के चिला रुके, 15 तारीख से 21 तारीख तक वहां रुके, 21 तारीख के बाद वो सीधा अपनी कोई टैक्सी लेकर के धर्मशाला के लिए रवाना हो गए, एक दिन धर्मशाला अपने परिवार के साथ रहे, दूसरे दिन बीमार होकर के हॉस्पिटल पहुंचे तो मृत्यु हो गई, एक जो तिब्बती हमारे भाई थे, वो एक हमारे लिए अलार्मिंग जैसी सिचुएशन थी। उसके बाद हम अलर्ट हुए, हमको लगा कि तुरंत अब ऐसी परिस्थिति में हमको कुछ और चीजें भी करनी चाहिए, तो हमें और सख्ती से कुछ चीजों को हमने शुरू किया हिमाचल प्रदेश में। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि उसके बाद सिर्फ एक इंसिडेंट जो हमारा जो बद्दी का हुआ, जो एक लेडी थी इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड की थी और दिल्ली में थे, दिल्ली से थोड़ा बीमार होकर के वो जब दिल्ली में कोरोना वायरस का हल्ला शोर ज़्यादा पड़ा तो उसके बाद वहाँ से निकल करके बद्दी पहुँचे, अपने गेस्ट हाउस में रुके और गेस्ट हाउस में रुकने के बाद फिर वो बीमार हुए, पीजीआई चले गए और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, वो हमारे लिए और एक शॉकिंग एक न्यूज़ थी। तो ऐसी परिस्थिति में फिर उसके बाद फिर और भी ज़्यादा अलर्ट हुए, उसके परिवार के चार लोग पॉजिटिव निकले, लेकिन चारों के चारों जैसे सीएस ने बताया कि चारों के चारों जो है मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली रेफर अपने आप चले गए, अपनी इच्छा से चले गए थे। लेकिन सबसे बड़ा हमको धक्का झटका तब लगा जब ये दिल्ली का मरकज का आयोजन हुआ और उसमें हिमाचल प्रदेश से कुछ लोग शामिल हुए, और हिमाचल प्रदेश से जो शामिल हुए वहां से वो वापिस भी आ गए, वापिस अपने अपने रास्ते आए और उसमें कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी उन्होंने एस्टेब्लिश की अपनी, और ऐसे में उसमें से तीन केस पॉजिटिव एक बार आए, तीन केस दूसरी बार आए, फिर उसके बाद वो क्रम रुका नहीं, वो बढ़ता गया, फिर एक आया, फिर चार आए, फिर नौ, एक दिन तो नौ आए। कुल मिलाकर के जो आपको जानकारी दी कि टोटल पॉजिटिव केसेस हिमाचल प्रदेश में 39 है,
और उन 39 में से 25 जो है वो मरकज में गए हुए लोग या मरकज में गए हुए लोगों के साथ कांटेक्ट की वजह से हुए। हालांकि हमने कोशिश की, उन लोगों को कहा कि आप अपनी जानकारी दीजिए, आप रिवील करिए कि आप गए थे, तो कोई बात नहीं, आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपके परिवार को बचाने की परिस्थिति में हो पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा सहयोग उसमें नहीं मिल पाया। आखिरकार हमको और डीजीपी साहब को कुछ सख्त शब्दों में कुछ कहना पड़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या ऐसी निकली जिन्होंने कहा कि हम गए थे, लगभग 12 लोग ऐसे निकले, लेकिन 52 के ज्यादा लोग जो है ऐसे निकले जो बोलते हम गए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम जो गए हुए लोग थे जो वापिस आए वहां से, उनसे हमारा मिलना हुआ, चाय पी, खाना खाया, हमारी बातचीत हुई, बैठना हुआ। तो वो जाकर के वो उनका कांटेक्ट जो है, कांटेक्ट हिस्ट्री जो है, प्राइमरी कांटेक्ट, फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो सैकड़ों में चला गया, 600 से ऊपर चला गया। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था, लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर संतोष है। फिर भी मामले बीच बीच में आ रहे हैं, एक आधा मामला ऐसे अभी भी, अभी 3-2 दिन पहले एक मामला आया है उन्होंने, एक ही मामला शायद निकलना है, लेकिन हमने वो चेन पकड़ी जहां से शुरू हुए थे, कहां कहां गए, सब एक एक आदमी को हमने कोशिश की है उसमें से ये करने की, ताकि कोई भी आदमी उसमें ऐसा ना बचे जिसका हम टेस्ट ना करें। उसमें हमको काफी हद तक संतोष है कि हम उस सारी चेन को एग्जॉस्ट करने की परिस्थिति में पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ एक मामले थोड़ा अलग तरह के भी आए। हिमाचल प्रदेश में कुछ लोग आए और अपने रास्ते आए, रोकने की कोशिशें हुई रास्ते में उनको, लेकिन उसके बावजूद भी आ गए, बाद में मामले वो पॉजिटिव निकले। 2 मामले इस प्रकार के भी आए हमारे ध्यान में, लेकिन उनके कांटेक्ट में कोई आदमी, एक आदमी और भी प्रभावित हो गया। ऐसी परिस्थितियां पहुंचते पहुंचते ये मामला जो है 39 तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में, हमको बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बहुत कह सकते हैं कि बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी हिमाचल प्रदेश में हम काफी हद तक जो है इसको, कोरोना वायरस को रोकने में जो है वो सफल हुए हैं। और उसकी वजह मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने सख्ती की है, और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों का सहयोग, आप सबका सहयोग हमको मिला है, पुलिस विभाग ने काम किया है और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सब लोगों ने जो काम किया जिस प्रकार से, वो सचमुच में बहुत तारीफ के योग्य है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि दिल्ली से आ गए, परमिट लेकर के, परमिशन लेकर के आए, लेकिन जब परवाणु पहुंचे तो परवाणु के आगे फिर हमको फोन करने लगे कि कमाल है जी, हम दिल्ली से आए, हमको दिल्ली से रास्ते में पूछा नहीं, हरियाणा आया, हरियाणा में हमको पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं हमको, पंजाब आया, पंजाब में हमको रोका नहीं, लेकिन हिमाचल में परवाणु प्रवेश होते ही हमको 4 बार रोक दिया अभी तक सोलन पहुंचते पहुंचते। हमने कहा कि यही हम करना चाहते थे, कोई भी आदमी इस प्रकार से ना छूटे, जिस तरह से हरियाणा में छूट गया कोई नहीं पूछ रहा है, पंजाब में छूट गए कोई नहीं पूछ रहा है, वो कर रहे होंगे मुझे मालूम नहीं उस बारे में ज्यादा, लेकिन ये हकीकत है 200 फोन ऐसे आ रहे हैं जो वैलिड परमिट के साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि भाई साहब बहुत सख्ती की है आपने, और सख्ती करना हमारी व्यवस्था भी और आवश्यकता भी है, कि हम चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता कि हिमाचल प्रदेश में हर एक नागरिक के जीवन को हम बहुत महत्व देते हैं, कभी भी हमारा आदमी हिमाचल प्रदेश का नागरिक कोई भी हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो है कोरोना वायरस में नहीं आना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए, उस दृष्टि से हमने सारा किया है। मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबका सहयोग रहा है, और उसमें आने वाले समय में भी मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप सब इसमें इस सहयोग को कायम रखेंगे।
लॉकडाउन फर्स्ट का दौर समाप्त हुआ और उसके बाद लॉकडाउन सेकंड जो है हमारा 15 से शुरू हुआ है और वो 15 से 20 तक आज तक लगभग लगभग उसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं थी, लेकिन 20 के बाद के आज से बात की जो चेंजेस को लेकर के बहुत सारी चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी हमारे चीफ सेक्रेटरी जी कि कुछ रिलैक्सेशन का जिक्र आ रहा था, फिर बात ये चली कि अब रिलैक्सेशन का मतलब है कि भी इसमें भी रिलैक्सेशन इसमें भी रिलैक्सेशन, हमने कहा नहीं, कुछ सीमित बातों के लिए सीमित चीजों के लिए सीमित रिलैक्सेशन ही दे पाएंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता यह है कि अगर अभी तक हमने जो व्रत धारण किया है आप सब लोगों ने किया है, हिमाचल प्रदेश के नागरिकों ने किया है जिसमें बहुत बड़ा उनका सहयोग है, वो व्रत नहीं टूटना चाहिए। अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमारे 12 जिलों में से 6 जिले प्रभावित हो गए, हमीरपुर की घटना भी ताजा है जहां 2 मामले आए, अन्यथा हमारे 7 जिले अभी तक बिल्कुल ऐसे थे जो इस प्रभाव से दूर थे, एक भी मामला नहीं था, लेकिन कहीं भी चूक हुई तो स्वाभाविक रूप से ये मामले फिर आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह पहुंचने की परिस्थिति में हो पाएगी। एक हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था जो पूरी सब जगह से जोर से जो जिसके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा आया वो इस बात के लिए था कि जो लोग बाहर फंसे हैं वो घर आना चाहते हैं, बच्चे हैं और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, स्वाभाविक रूप से इससे कठिन दौर किसी आदमी के लिए जिंदगी में हो नहीं सकता है। उनकी तकलीफ को समझना, उनकी पीड़ा को समझना यह हमारा दायित्व भी था और मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं सुबह से शाम तक सैकड़ों फोन स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनता हूं और किसी ने हमारे दोनों फोन जो है मोबाइल जो मेरे पर्सनल जो उनको मैं अपने यूज करता हूं वो फोन जो है फेसबुक में भी डाल दिए कि किसी को अगर हिमाचल जाना है तो यहां संपर्क करें, इन नंबर पर संपर्क करें और संपर्क करने करते करते ये स्थिति होगी कि रात को और दिन को मतलब सोना मतलब बैठना 5 मिनट के लिए बैठना मुश्किल होता, आधे घंटे में अगर फोन न उठाए तो 70, 80, 90 मिस्ड कॉल की ये आती थी और उससे एक अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था कि कितना डिस्ट्रेस लोग हैं, वो लोग बच्चे हैं पेरेंट्स हैं कोई भी है जो लोग ऐसी परिस्थिति में हमको फोन कर रहे हैं। हमने अपने सचिवालय में एक व्यवस्था की, हमने कंट्रोल रूम के साथ साथ में वहां पर वो नंबर हमने दिए, 2 नंबर हमने वहां पर लगाए थे और जिसमें जिसका जिक्र किया कि बहुत सारी कॉल उसमें जो है दूसरे प्रदेशों से फिर लोगों ने उस पर की है, पूरी जानकारी दी और उसके माध्यम से एक मैकेनिज्म भी हमने डेवलप, जो मदद जिसकी की जा सकती, ठीक है जो आदमी सीधा घर आने की बात कह रहा था उसके लिए कठिनाई वो सारे मामले संभव नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किसी को एक्यूट जरूरत थी किसी चीज की, राशन की जरूरत थी, अकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमने कहा चंडीगढ़ में हिमाचल भवन में रह लो, हमने कहा दिल्ली में प्रॉब्लम आ गई अगर आपको बहुत दिक्कत है तो आप हिमाचल भवन तक पहुंचो वहीं पर रह लो, यहां तक दूसरे प्रदेशों ने इस प्रकार से अपने भवन शायद नहीं खोले होंगे लेकिन हमने किए ऐसी घड़ी इसमें इन सारी चीजों का क्या और उपयोग करेंगे हम, तो ये सारी चीजें हमने करने की कोशिशें की है लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से लोग निकल आए कि हमको घर जाना है, सिर्फ घर जाना है, विनम्र आग्रह किया हमने और उसमें हमने एक चीज को लेकर के तय किया कि घर जाएंगे आप जरूर जाएंगे लेकिन पहले क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो बॉर्डर में हमने क्वारंटाइन की व्यवस्था की हर जिले में बॉर्डर का एरिया और उसमें बहुत बड़ी संख्या में, जिस संख्या का जिक्र यहां पर हमारे चीफ सेक्रेटरी जी ने किया वो सारी चीजों को बताया गया आपको, उस फिगर को मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा, उसमें दोबारा आपको ये करने की जो आवश्यकता रहेगी तो उसके लिए प्रेस नोट आपको जारी हो जाएगा
लेकिन मेरे कहने का मतलब भी मैं इस बात को इतना डिटेल में कहने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ कि आप सब लोगों के बीच में इन बातों को बहुत ज़्यादा हम साझा नहीं कर पाए थे। शायद ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा भी लग रहा था। तो कुल मिलाकर के मेरा ये भी है, हमने विपक्ष के सभी नेताओं को भी बुलाया, यहीं पेट्रोहॉप में हमने बैठक की, बातचीत की, हमने कैसे दौर में हम सबको इकट्ठा होकर के काम करना चाहिए, ऐसी समाज की भी अपेक्षा, हम सबकी, हम सबको लगना चाहिए इस काम में इकट्ठा होकर के काम करने के लिए। उनका भी सहयोग रहा, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बच्चे बाहर फंसे हैं, परिवार के लोग फंसे हैं, वो अभी भी हिमाचल प्रदेश में आने के लिए इच्छुक हैं। इच्छुक क्या, यानी कि बहुत आतुर हैं। हमने उनसे विनम्र निवेदन किया कि थोड़ा वक्त अगर आप लोग और इंतजार कर सके तो उचित होगा। उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला है, कठिनाई में परेशानी में रहे लेकिन उसके बावजूद भी उनने पालन किया है। थोड़े वक्त अगर और पालन करें तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए और हिमाचल के लिए भी वो बहुत बड़ा एक योगदान उनकी तरफ से भी होगा। ये मैं उन सब बच्चों से भी और सब लोगों से अपील भी करना चाहूँगा। हाँ, उसके बावजूद जो मेडिकल एमरजेंसी है उसको हमने अटेंड किया है, और उसके साथ साथ में दूसरी सारी चीज़ों को लेकर के भी हमने, जहाँ किसी के परिवार में कोई घटना दुर्घटना हो गई तो उसके लिए भी हमने आशीष दिए हैं। तो ऐसे में दो तीन चीज़ों को लेकर के मैं कहना चाहूँगा, मैं केंद्र सरकार का आपके माध्यम से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। एक हमने निर्णय किया हिमाचल प्रदेश में, जैसे हमारे मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हैं, पुलिस में जो इस प्रकार से जो सारे दौर में इसमें लगे हैं, किसी को भी अगर कोरोना के कारण किसी की अगर मृत्यु अगर होती है तो उसके लिए 50 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है हिमाचल प्रदेश में। एक तो ये बात, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी किसान सम्मान निधि का जो विषय था उसके अंतर्गत 5,62,750 किसानों को हमने जो है 2,000 रुपये प्रति किसान को जो है वो राशि हमने उपलब्ध कराई, और इस में लगभग 112,55,00,000 रुपए जो है उसमें हमने खर्च किए हैं किसान सम्मान योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत में ये भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो 3 माह तक सभी खाता धारक जो महिलाएं के खाते में 3 महीने का 500 रुपए प्रति माह जमा कर दिए किए जा रहे हैं, और इस योजना से 5,90,306 महिलाओं को जो है लाभान्वित किया जाएगा, और 29.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आगामी 3 महीने तक सभी लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर, जिससे 1,30,116 परिवार लाभान्वित होंगे। ये भी एक निर्णय उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किया गया है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड में जो है जो रजिस्टर्ड जो हमारे 75,76,601 कामगारों को पीएफ खाते में वेतन का जो हमने जो है उसमें जो हमने पैसा जो है 2,000 रुपए दिया जा रहा है, और जिस पर 15,12,00,000 रुपए हमने खर्च किए हैं। ये कुछ बातें हैं जो हमने हिमाचल प्रदेश में अभी। इसके अतिरिक्त जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो टास्क फोर्स बनाई है, टास्क फोर्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो हम पूरे उनको असेस कर रहे हैं, जहां जिसकी मदद जिस रूप में की जा सकती है वो मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक कुछ बातों को लेकर के आता है कि हमारा हिमाचल प्रदेश में जो है वो टेस्टिंग की सुविधा जो है कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। पहले हमारे पास शिमला और टांडा में ये टेस्टिंग की सुविधा थी, अब उसके बाद जो है हमारी ये सुविधा जो है वो एक जगह हमने और जो कसौली में हमने शुरू कर दी, और उसके बाद हमने पालमपुर के लिए भी हमने उसके लिए अप्लाई किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी उसके बाद मंडी के लिए भी हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी टेस्टिंग की सुविधा और ज़्यादा बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन सारी चीज़ को लेकर के ये काम कर सकें। ये मुझे लगता है कुछ फिगर जो है आपके सामने, जो कुछ बातें आपके सामने रखने की थी मुझे उचित लगती थी।
और अभी जो रिलैक्सेशन के दौरान जो है जिस बात को लेकर के हमारे चीफ सेक्रेटरी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, मैं भी उसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि रिलैक्सेशन का अभिप्राय ये नहीं है कि कर्फ्यू में कोई ढील होगी। कर्फ्यू वदस्तूत जैसा था वैसा ही कायम रहेगा। हम हफ्ता 10 दिन तक इस सारी चीज को असेस करेंगे और उसके बाद अगले इसमें हम विचार करेंगे कि जो ऑफिसेज हमारे हैं उनको फंक्शन करना, क्योंकि ऑफिस को हम फंक्शन करने के लिए अगर 30% के साथ भी अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे कर्फ्यू का कोई अभिप्राय बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा, लोगों का आना जाना बड़ी संख्या में हो जाएगा। इसलिए कि इस सारे दौर को जो है थोड़ा और बेहतर ढंग से हम टैकल कर सके, उस दृष्टि से हमने कुछ निर्णय हमने लिए हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं, बहुत सारी चीजों को लेकर के कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसे मौके में कुछ बातें खड़ी की जाएं, पूछी जाएं, जानी जाएं, ऐसा कुछ बातें कहने की कोशिशें कर रहे हैं। मेरा विपक्ष के सभी मित्रों से इस बात के लिए विनम्र आग्रह है कि इस वक्त पूरा विश्व घोर संकट के दौर में से गुजर रहा है, भारत भी उस दौर में से गुजर रहा है और अपना हिमाचल प्रदेश भी उस दौर में से गुजर रहा है। राजनीति करने का अवसर तब रहेगा जब हम रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में मेहरबानी करके जो सुझाव आपके हैं उनको लेकर के आप बात कहें, अभिनंदन है, लिखित रूप से दें, स्वागत है, लेकिन राजनीतिक मकसद से उसमें कोई पूर्ति करना चाहे तो मुझे लगता कि वो ये वक्त उस काम के लिए नहीं है। ये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। और इसके अलावा मुझे और चीजों को लेकर के कुछ नहीं कहना, आप लोगों से आज मिलना हो गया और 2-3 बातें एक एक आदमी एक एक जगह से अगर संक्षिप्त में पूछे तो उचित हो पाएगा। एक 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 देखिए फाइनेंशियल लॉस की बात, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल लॉस की स्थिति आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1 महीने के इस कार्यकाल में कितना, अप्रैल में 450 करोड़ के लगभग आना चाहिए था हमारा अपना रेवेन्यू, मात्र 40-45 करोड़ ही आया है। तो जस्ट टू गिव यू अ सेंस, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान। 400 करोड़ के लगभग हमारा आने की उम्मीद थी, 400 से ऊपर, और उसमें हमारा 40-45 करोड़ के लगभग हमारे पास जो है वो जो रेवेन्यू आया है, बहुत बड़ा नुकसान। बाहर से जो भी लोग आएंगे वो क्वारंटीन किए जाते हैं बॉर्डर पर। और एक विवाद हुआ था एमपी रामस्वरूप शर्मा जी के लिए, कहा गया कि वो दिल्ली से आए और सीधे अपने घर अपने दफ्तर में वहां हम क्वारंटीन हुए, वो बॉर्डर पर उनको नहीं कह रहे। देखिए एक बात को हम माने, ये बात आपकी ठीक है, एक विषय ध्यान में आ गया आपका, लेकिन रामस्वरूप जी आए और आने के बाद घर भी नहीं गए हैं, वो अपने पुराने घर में होम क्वारंटीन हैं और उनके साथ में 2 लोग और थे, वो भी अपने घर परिवार से नहीं मिले हैं जो हमारी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत रूप से रामस्वरूप से बात हुई है, और होम क्वारंटीन होने के साथ साथ में किसी से व्यक्तिगत रूप से भी वो मिलना जुलना आज के दिन में नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो स्थिति है वो आपके सामने मैंने बता दी। मेरे छोटे-छोटे 2-3 सवाल हैं कि एक तो ये कि 2-3 मत करिए, एक करिए। कि एक तो मेरा ये है कि जो केस रेकर किया है, क्या ये हेल्थ डिपार्टमेंट के थोड़ा जितना भी विषय है जो ठीक हो गया था दोबारा फिर उसको हो गया। सेकंडली डीपी के साथ ये कहा था कि जो जिन लोगों ने तब्दीली जमात वालों को इंस्टिगेट किया कि वो आप ना जाओ, उनका भी मोबाइल डेटा निकाल के अपने लॉस करेंगे, क्या वो की वो 307-300 तो मेरे क्या कोई मुकदमा हुआ। एक सवाल आपसे है कि शांता कुमार जी का कहना है तब्दीली जमात पे बैन लगाया जाए क्योंकि पत्थरबाजी भी कई जगह हो रही है, आपका उस बारे में क्या कहना है, और इससे हटके इस सवाल को 2 साधु मारे गए हैं उस पर आपका क्या है। चलिए देखिए इतने प्रश्न, देखिए एक बात नंबर 1 जहां तक पहला प्रश्न था आपका वो दीवान साहब दे रहे हैं जी, दीवान साहब ये तो केस लेकर हुआ है। नहीं देखिए इसमें सिर्फ मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, दीवान जी भी जवाब देंगे, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पूरे देश में दुनिया में ऐसे एक नहीं अनेक केस ऐसे हो गए
नेगेटिव आने के बाद पॉजिटिव आए। इस वायरस का नेचर ही अभी तक जो है दुनिया नहीं समझ पाई है। ये परिस्थिति आपके सामने, और डिटेल अगर स्पेसिफिक देनी है तो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जहां तक हिमाचल से बाहर जो लोग हैं, एक तो मेरा यही है विनम्र निवेदन उन सबसे कि बहुत बेहतर तो यही होगा कि अगर हम इस व्रत को अगर हमने पूरा करना है तो पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऐसी परिस्थिति लगती है तो बॉर्डर पे क्वारंटीन होना पड़ेगा। जब होना पड़ेगा तो चलने का बहुत ज्यादा उस दृष्टि से मुझे लगता है कि लाभ नहीं है, क्योंकि वहां से चलेंगे 14 दिन क्वारंटीन होंगे, तब तक के लिए लॉकडाउन के अभी वो पीरियड पूरा हो रहा है। इसलिए बेहतर होगा जहां बने हैं वहीं बने रहे। हम वहां पर मदद क्या कर सकते हैं वो हमको बताइए। हमने सभी जगह बोला है, हम सीधे जिन जिन प्रदेशों में जो लोग इस प्रकार से फंसे हैं, परेशानी में हैं, जो मदद उनकी हो सकती है उस मदद को पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की है, उसमें हमने कामयाबी भी हासिल की है।